न्यू कार का ये सब अनरैप करने का ना भाई अलग ही फील है, ये फील हर कोई नहीं ले पाता। ये देख लो सीट ऊपर जाने लगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत देख लो हो रही है बाटा के शोरूम से। एंड यहाँ पे पीछे में लगी हुई है मेरी फेवरेट कार सफारी, और आज मैं यहाँ पे आया हूँ भाई। आज हमारे गाड़ी की डिलीवरी है टाटा टियागो XT की। अभी शोरूम में आ गए हैं, फॉर्मेलिटीज हो रही हैं, 2-3 घंटे का टाइम और लगेगा यहाँ पे। 2-3 घंटों के बाद हमारे गाड़ी की डिलीवरी होगी, उसके बाद गाड़ी को मैं निकालूंगा और गाड़ी की एक्सेसरीज भी हमें लगवानी है। एंड उसके बाद फिर निकल जाऊँगा डायरेक्ट गाँव को। अभी चलो उधर मैं आप लोग को और गाड़ियाँ दिखाता हूँ। एंड डिलीवरी होने वाली है भाई, पर्दा उठा के। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। दिस इज सफारी माय फेवरेट। अभी बाहर में अपनी गाड़ी आई नहीं है, बाहर में जब गाड़ी आ जाएगी उसके बाद अपन लोग डिलीवरी करेंगे अच्छे से। एंड दिस इज टैगोर, यहाँ पे भाई हमारी टियागो, बट हम ले रहे हैं वाइट कलर में, ये है शाइनिंग ब्लैक। एंड दिस इज सफारी माय ड्रीम। सफारी तो अपना क्रश है, क्रश। अब इसके अंदर बैठा हूँ ना, इसमें बहुत मस्त मस्त फीचर है, आप लोगों को भी मैं थोड़ा दिखाता हूँ। और ये ना पूरी ऑटोमेटिक गाड़ी है, ये मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। लुक एट हियर गाइस, मेरे ड्रीम कार की स्टीयरिंग। एंड ये देख लो भाई, ऑटोमेटिक है और इसमें आपको 3 मोड्स भी मिल जाते हैं। एंड ऑटोमेटिक गियर, यहाँ पे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, एंड यहाँ पे दो कप होल्डर। और देख लो इसकी गाइस हैंड ब्रेक, ये ऑटो पार्किंग है गाइस, हैंड ब्रेक, इसमें आपको पुल नहीं करनी है, ऑटो पार्किंग है। इसमें इतने फीचर ओवरलोडेड है ना। एक चीज और दिखाऊं, इसका सीट ये देखना गाइस, पूरे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। देखना मैं उठूंगा कैसे, ये देख लो मेरे वाली सीट आ गई आई, अब इलेक्ट्रॉनिकली मैं इसे पीछे कर रहा हूँ, देखना मेरी सीट पीछे जाएगी, ये देख लो पीछे जाएगी। इसका सारे बटन इधर में नीचे में जहाँ से कंट्रोल होती है, और ये पे सीट अप डाउन भी इसकी होती है, तो मैं ऑफ करूँ थोड़ा सा। ये देखो मैं ऊपर आ रहा हूँ, इतनी ऊपर आ गई, अब नीचे कर लेता हूँ वापस। ये देखो मेरी सीट जो है वो नीचे जा रही है, आगे करूँ थोड़ा सा, देखना मेरी सीट आगे जाएगी। ये देखो गाइस आगे गई, अब इसे वापस पीछे करता हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। ये देख लो मेरी सीट पीछे जा रही है, मजा आ गया भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। लेंगे भाई लेंगे, अब ड्रीम है तो लेंगे ही, फिलहाल तो टियागो लेने आए हैं। बाहर निकल जाऊँ थोड़ा, लगती है भाई ब्यूटीफुल। ये देख लो यहाँ से इसकी सारी सीट एडजस्ट होती है। ये देखना अभी मैं इसे आगे करता हूँ थोड़ा, ये देखना, ये देखो सीट आगे होने लगी, देख रहे हो, इससे आप पीछे का आगे का उठ कर सकते हो। ये देखो अब इससे आप अगर नीचे करोगे तो सीट नीचे जाएगी, देखना अब इसे ऊपर करो तो सीट ऊपर जाएगी। ये देख लो सीट ऊपर जाने लगी, अब सीट नीचे कर देता हूँ, ये देख लो ड्रीम कार भाई, ड्रीम कार। पीछे का रो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, इनका दो पार्ट में डिवाइडेड है, एंड इसमें आपको थर्ड रो भी मिल जाती है, एंड बड़ी सी पैनारोमिक सनरूफ, और पूरी लेदर फिनिश में है। यहाँ पे भी आपको सॉकेट मिल जाता है चार्जिंग का, स्पेस तो इसमें बहुत ज्यादा है भाई। दरवाजे की फिनिशिंग देख लो, पावर विंडो कंट्रोल, लेदर टच एंड स्पीकर। टाटा की सारी गाड़ियों में पीछे से एनिमल का होता ही है, सो यहाँ पे देख लो टाइगर, टाइगर, टाइगर की बीवी और टाइगर का बच्चा। टाटा के हर गाड़ी में ना अलग अलग एनिमल्स का बेजिंग होता ही है। 1 से 2 घंटे लगने तो फिक्स है शोरूम में आने के बाद, सब 1-2 घंटे यहाँ पे और बोर होना है, उसके बाद डिलीवरी लेके अपने और निकल जाएंगे। 2 hours later. सो गाइस देयर है डाटा इनकी टाटा शोरूम, और यहाँ पे देख लो हमारी कार निकल गए डिलीवरी के लिए आ गई है। इस पर हमने कुछ कुछ एक्सेसरीज भी लगाई है, रेन गार्ड, डोर गार्ड, वहाँ पे लगा के डिलीवरी भी होगी गाड़ी की। तो अभी जस्ट यहाँ पे आई है वॉश होके, डिलीवरी का वेट करते हैं। गाड़ी हमारी लग गई है भाई, बड़ा ही क्यूट लग रहा है गाड़ी, हमने शोरूम से ही गाड़ी की एक्सेसरीज भी लगा ली। डिलीवरी के लिए गाड़ी को वहाँ लगाते हैं पर्दा उठाने के लिए। सो गाइस शोरूम से निकला है गाड़ी की डिलीवरी लेके, अभी देख लो जस्ट अभी गाड़ी को लेकर अपन लोग पहुंचे हैं एसेसरीज की दुकान पे। अभी गाड़ी में थोड़ी और एसेसरीज इंस्टॉल करा रहे हैं, वैसे तो हमने शोरूम में ही कंपनी से एसेसरीज लगा ली थी, बट मैट और कुछ कुछ और छोटे मोटे एसेसरीज हैं जो हम आफ्टर मार्केट लगवा रहे हैं। एंड पीछे हम देख लो केक मिला है वहाँ पे,
गाड़ी बहुत मस्त है, अभी मैंने हल्का सा ही चलाया है, अभी चला के मैं जा रहा हूँ अपने गांव को और फिर कल से रिटर्न हो जाऊँगा अपनी कार से। एंड अभी कुछ कुछ और एक्सेसरीज लगवानी है, अभी मैंने क्या क्या लगवाया मैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो सीट कवर लग गई है कंपनी से ही, इसमें लगे हैं सीट कवर। यहाँ पे देख लो मैट, मैट अभी हमने इसमें लगवाया है, पीछे भी लग गई है मैट, अभी और अपन लोग लगवा रहे हैं मड प्रोटेक्टर। सो गाइस अभी पेट्रोल पंप पे पहुँचे हैं और यहाँ पे हो रही है हमारे गाड़ी की फर्स्ट फ्यूलिंग अप। अभी इसमें डलवाते हैं कुछ पेट्रोल और उसके बाद फिर निकलते हैं पूजा कराने के लिए मंदिर में। शोरूम से हमने गाड़ी निकाल के फ्यूल अप भी करा लिया। बड़ा गाड़ी भाई, सॉफ्ट है, टाटा की गाड़ी भाई, सच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, अपने देश की गाड़ी है, अपना देश का लोहा है, बहुत मस्त है। जो भैया थे साथ में जिनकी ये गाड़ी है वो गए हैं भाई लड्डू लेने, आगे में दुर्गा माता का मंदिर है मेरी दुर्गा माता का, जहाँ पे गाड़ी की पूजा कर लेंगे उसके बाद सीधे निकलेंगे अपन लोग छत्तीसगढ़ के लिए। फिर मैं मेरी कार वहाँ पे आएगी, फिर मैं अपने कार से भंडेरिया चला जाऊंगा एंड कल डाल्टनगंज वापस। वैसे न्यू कार का ये सब अनरैप करने का ना भाई अलग ही फील है, ये फील हर कोई नहीं ले पाता। मोबाइल तो सब लोग दिखा देते, ट्रिपल कैमरा, कभी ये सब रिमूव करके दिखा दो। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। एक्सेसरीज में मैंने ये भाई कार की कवर लगवाया था जो कि बहुत ही प्रीटी लग रहा है, और एक चीज दिखाऊं बहुत मस्त लगती है, इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखना कैसे ऑन होता है, ये देखो गाइस, ऑसम awesome।